आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वर्टर के अंदर आने वाले छोटे मोटे फॉल्ट्स, जो कि आप बिना किसी टेक्निकल पर्सन के या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन मदद के बिना आप खुद ही रिपेयर कर सकते हो, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे इन्वर्टर में फॉल्ट आता है, जैसे कि हमारा इन्वर्टर चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारे बैटरी के पॉइंट्स पर अक्सर कार्बन जमा हो जाता है, जो हम लोग उसकी अनदेखी करते हैं। अगर उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उस पर बैटरी के टम्बलर्स पर खोलता हुआ पानी डालें और किसी पुराने टूथब्रश की मदद से उसे साफ कर लें और बैटरी के वोल्ट खोलकर दोबारा उसे साफ करके कनेक्ट कर दें, वहाँ ये प्रॉब्लम दूर होएगी। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हाई वोल्टेज वगैरह आ जाते हैं या फिर बैटरी के कनेक्शन हम उल्टे लगा देते हैं तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल डेड हो जाता है। उसका सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले हम इन्वर्टर का कवर खोलेंगे, पेज खोल के इसके, और फिर इसे ऑफ करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट करेंगे। और फिर उसके अंदर आप ये फ्यूज देख रहे हैं, ये दो फ्यूज लगे होते हैं, एक आमतौर पर सिर्फ फ्यूज में देखेंगे आप, यहाँ से शॉर्ट हो जाता है बैटरी उल्टी लगने पर या फिर हाई वोल्टेज आने पर, तो हम निकाल कर ये चेंज कर लेंगे, हमारी ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। और कई बार एक दिक्कत और आती है कि जैसे कि लाइट आ रही होती है बट हमारा इन्वर्टर ही चलता रहता है, इन्वर्टर यानी हमारा इन्वर्टर बैटरी मोड पर चलता रहता है और बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसके लिए अक्सर दिक्कत ये आती है कि इन्वर्टर के पीछे स्विच लगा होता है, आपने शायद इस पर गौर न किया हो, इस पर रेंज दे रखी होती है 100 to 300 volt एंड 180 to 260 volt, यानी अभी हमारे 160 volt पर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 180 volt से नीचे आने पर या 260 volt से ऊपर आने पर यह ऑटोमेटिकली हमारा बैटरी मोड पर आ जाता है और हमें इसका एहसास नहीं होता है कि हमारा इन्वर्टर चल रहा है या फिर बैटरी या फिर हमारा मेन लाइन पर है, तो हम इसे 100 to 300 की रेंज पर सेलेक्ट करेंगे। और कई बार एक दिक्कत ये आती है कि हमारा इन्वर्टर चार्जिंग करना बंद कर देता है, तो उसके लिए इसमें एक चार्जिंग फ्यूज दे रखा हुआ है, अगर हमारा चार्जिंग फ्यूज उड़ जाएगा शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा ये इन्वर्टर चार्जिंग करना बंद कर देगा, उसके लिए हमें फ्यूज़ ये निकाल कर दूसरा फ्यूज़ उसमें डालकर स्टार्ट करेंगे तो हमारा इन्वर्टर चार्जिंग करना शुरू कर देगा। धन्यवाद।